बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, फ़खर ज़मान ने अपनी बैटिंग टेक्निक पर एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, चाहे पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेलना हो या ग्लेम ऑर्गन की तरफ से काउंटी खेलना हो, फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। कुछ लोगों ने उनकी बैटिंग स्टाइल पर तनकीद की तो कुछ ने उनकी टेक्निक पर तनकीद की। तो जब फ़खर ज़मान से उनकी टेक्निक के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि मेरी टेक्निक में कोई खामी है, बॉल मेरे बैट पर बहुत ही अच्छी तरह से आती है, मेरे में बस एक प्रॉब्लम है कि मैं क्रीज पर टिक नहीं सकता हूँ, मुझे सिर्फ कुछ गेंदे खेलने की ज़रूरत है, मैं बड़ा स्कोर बना सकता हूँ। दोस्तों, फ़खर ज़मान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को फ़खर ज़मान ही चाहिए या कोई नया ओपनर चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।